जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से तो डर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसका भी इसीलिए उन्होंने जिक्र किया ताकि आने वाले समय का, मैंने पहले ही कहा, दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया, मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, जहां आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, ये तो इसमें भी राजनीति का अवसर नहीं छोड़ पाए। आप बताइए, आज ये इतनी बड़ी घटना थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो 8 मिनट का एक आलाप किए, उसमें अंतिम 1 मिनट ही मिला था इनको, बाकी 7 मिनट तो महिमा मंडन किया ने अपना। बाद में बोलते मेरे दिल में बहुत क्रोध है, पीड़ा है, क्रोध और पीड़ा है तो बीरेन सिंह क्या प्यारा है, बीरेन सिंह मेरा प्यारा है लेकिन मेरे दिल में क्रोध और पीड़ा, ब्रिजभूषण मेरा प्यारा है इसलिए महिला पहलवान को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या इस देश की जो राष्ट्रपति है, आप क्लेम करते हैं कि आप उनको आदिवासी महिला होने के कारण सम्मान दिए, तो क्या मणिपुर की बेटियां का यही सम्मान हुआ कि 4 मई से जुलाई के माह में आपकी एक गिरफ्तारी हुई और आप बेशर्मी के साथ सत्ता में बने, डबल इंजन की सरकार, अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त हुआ। कहीं छोटा मोटा भी घटना होता है, भारतीय जनता पार्टी का फैक्ट फाइंडिंग घटना की जांच होगी, बंगाल जाएगा, बिहार जाएगा, मणिपुर क्यों नहीं जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में महिला उत्पीड़न है, महिला अत्याचार है, महिला व्यभिचार है, महिलाओं के प्रति जो असम्मान है उनके कृत्यों से साबित होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आज पुनः आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि अविलंब मणिपुर की बीरेन सरकार को बर्खास्त किया जाए और बीरेन सिंह पर महिला यौनाचार और 170 लोगों के हिंसा में मारे जाने पर हत्या का केस भी दर्ज। वो लोग के पास में आंकड़ा इतना भयानक आता है ना कि 65 पार कर गिर जाता है, इसलिए वो लोग का पेट दर्द हम लोग को मालूम है, अभी तो पेट से घुसे हैं हम लोग, 24 आते आते तो सिर दर्द में बदल जाएंगे। उनको बोलिए थोड़ा अध्ययन कर ले, टेट एक ऐसा आधार है जो साफ कर देगा हर चीज।